छात्रवृत्ति परीक्षा यूपी एनएमएमएस के विषय में जानेंगे और इसके जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में। और इनके विषय में जितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब एक जगह भी बताया जा रहा है, तो अपन क्वेश्चन को नोट कर लें। और इससे ये होगा कि ये जो टॉपिक है एक साथ आपको आ जाएगा। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि इन्होंने किस समाज की स्थापना की। एक ये याद कर लेंगे आप लोग कि किस समाज की स्थापना की, तो इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये आप लोग याद करेंगे। अगर ये पूछ दिया जाए कि जो आर्य समाज की स्थापना है ये कहाँ पे की गई थी और किस समय की गई थी, तो कहाँ पे पूछ दें तो आप लोग याद रखेंगे, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी पूछ दें तो क्या बताएंगे कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की थी। और क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो और क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं इनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूलचंदर, ये जवाब देंगे। और अगर ये पूछ दिया जाए कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था, तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो एक प्रश्न आपका ये बनेगा, एक ये बन सकता है और वेदों की ओर लौटो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है, क्या याद रखेंगे कि जो सत्यार्थ प्रकाश है ये किसकी पुस्तक है, तो इसका भी जवाब क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप लोगों ने देखा अगर कोई क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा ये बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है और चार क्वेश्चन। जब आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो जो भी मार्केट की किताबें हैं वो अलग अलग एमसीक्यू दे रही है, यहाँ पे क्या है ये सभी क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये विश्वास हो जाएगा कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं इनके विषय में कुछ भी पूछा जाए हम बता लेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा महान व्यक्तित्व हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा स्वामी विवेकानंद। तो दोनों को आप लोग एक साथ पढ़ें, स्वामी विवेकानंद। जैसे हमने अभी इनके बचपन का नाम बताया था तो उसी तरह से आपसे विवेकानंद के बचपन का नाम पूछा जा सकता है, तो क्या जवाब देंगे कि नरेंद्र नाथ, क्या जवाब देंगे कि नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम, ये आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपसे तीन किताबें पूछ देगा, कौन कौन सी, राजयोग किसकी पुस्तक है, और क्या पूछ सकता है, ज्ञान योग और कर्म योग, तो ये सब किससे संबंधित है, तो क्या जवाब होगा कि ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। तीनों आप लोग याद करेंगे, राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग, नवेद्रनाथ इनके बचपन का नाम। अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि ये किसके शिष्य थे, ये किसके शिष्य थे, तो क्या याद रखेंगे आप लोग, आपको याद रखना पड़ेगा कि राम कृष्ण परमहंस, क्या याद रखना पड़ेगा कि राम कृष्ण परमहंस के ये
शिष्य थे। और क्या हो सकता है कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है कि जब आपका शिकागो धर्म सम्मेलन, तो याद रखेंगे कि जो शिकागो धर्म सम्मेलन है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कब हुआ था। तो क्या जवाब होगा कि 1893 में हुआ था, एक ये याद रखना है। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो क्या जवाब होगा कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे तो इतने क्वेश्चन विवेकानंद जी पे बनेंगे। पहला क्या बनेगा कि बचपन में नाम बता दीजिए, बता देंगे आप लोग, नवेंद्रनाथ। दूसरा क्या बनेगा कि ये किसके शिष्य थे? तो आसानी से आप लोग बता देंगे कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तीसरा क्या बन सकता है कि राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? तो बता देंगे स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? क्या जवाब होगा? 1893 में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विवेकानंद जी ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो क्या जवाब होगा? विवेकानंद, इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो आपने देखा 5 क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन ये, तो कुल मिला के 9 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए। और ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, ये सब थ्योरी के फॉर्म में, आप लोग इन्हें याद रखें। धन्यवाद।